ये लिस्ट है टॉप 10 प्राइवेट MBBS कॉलेजेस के रैंक वाइज। ये सारे कॉलेजेस टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं, बट यहाँ की फीस बहुत ज़्यादा है, अराउंड 25 लाख एक साल की फीस है, और कंप्लीट फीस यानी कि कंप्लीट कोर्स फी 1 करोड़ प्लस जा सकता है, विच इज़ वेरी हाई, और ये अफोर्ड करना सभी के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं द मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक के बारे में, विच इज़ टॉप 10 प्राइवेट MBBS कॉलेजेस विद लेस फीस। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीट्स, फीस स्ट्रक्चर एंड कट ऑफ्स के बारे में। इन तीनों पैरामीटर के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जिनके नीट में कम स्कोर होने वाले हैं या 500 के आसपास स्कोर आ रहा है, वो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। स्टार्ट करते हैं। तो इन टॉप 10 के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप नीट की काउंसलिंग सही तरीके से नहीं करोगे तो आपको इन प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। इसलिए काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होता है। नीट के बाद आपके पास दो काउंसलिंग होती है, एक MCC की काउंसलिंग होती है और एक स्टेट काउंसलिंग होती है। कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं जिनका जो ओपन स्टेट होता है, जिसके लिए अदर स्टेट के कैंडिडेट भी काउंसलिंग करा सकते हैं, ठीक है। सो MCC काउंसलिंग एंड स्टेट काउंसलिंग के बारे में जानने के लिए एक सेपरेट डिटेल वीडियो है, आई थिंक आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी। इसके अलावा यहाँ पे जो हम कट ऑफ डिस्कस करेंगे उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, एक तो आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ होती है, जैसे कि जनरल, OBC, SC, ST एंड सो ऑन। दूसरी चीज़ जो कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी ओपन स्टेट के काउंसलिंग के लिए अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वहाँ पे हर स्टूडेंट की जो कट ऑफ जाती है या नीट में जो मार्क्स है वो डिफरेंट मार्क्स यहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे कि अगर आप ओपन स्टेट काउंसलिंग करा रहे हैं तो जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनका कट ऑफ अलग जाता है। एक गवर्नमेंट कोटा होता है, यानी कि आप जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं उस स्टेट के लिए अगर आप काउंसलिंग करा रहे हैं तो आपका जो कट ऑफ है वो अलग जाएगा। और तीसरा होता है आपका मैनेजमेंट कोटा, वहाँ पे सबसे कम मार्क्स भी है तब भी आपका एडमिशन हो जाता है। शर्त यह है कि आपके पास पैसे ज़्यादा हो, क्योंकि फीस आपको ज़्यादा पे करना होता है मैनेजमेंट कोटा के लिए, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हैं या तीन कोटा है जिसकी कट ऑफ अलग अलग जा सकती है। इसलिए मैं आपको जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं जो ओपन स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनका कट ऑफ बताऊँगी, जो कि हाई होता है। अगर उससे कम भी मार्क्स हैं आपके और आप अपने स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो भी आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे हमारे पास है CMC वेल्लोर। तो दो कैंपस है, एक वेल्लोर और एक लुधियाना। वेल्लोर का जो NRF रैंकिंग है वो 3 है और लुधियाना का 42 है। तो दोनों ही कॉलेज काफ़ी अलग है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट CMC वेल्लोर में जाना पसंद करते हैं क्योंकि ये काफ़ी रिनाउंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। अब यहाँ के अगर हम सीट्स की बात करें तो 100 सीट्स है MBBS के लिए और फीस बहुत कम है यहाँ पे। लेकिन हाँ, CMC वेल्लोर का कट ऑफ हाई जाता है, फीस कम है, प्राइवेट कॉलेज है, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ 25,000 पर ईयर आपकी फ़ीस रहेगी। फीस स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी दिखा देती हूँ जो ऑफिशियल साइट से लिया गया है। 620 प्लस कट ऑफ जाता है, विच में 600 के आसपास अगर आपका नीट का स्कोर है तो आप CMC वेल्लोर में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट हम नंबर 2 कॉलेज की बात करें, वो है श्री मधुसूदन साय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, जो कि कर्नाटका में है। 750 रुपीज़ पर ईयर आपकी फ़ीस रहेगी। यहाँ पे एक बॉन्ड कंडीशन है, कंडीशन ये है कि अगर आप यहाँ पे एडमिशन ले रहे हो तो एडमिशन के बाद आपको 5 साल की सर्विस करनी होती है। 5 साल आप यहाँ पे जॉब करोगे और अगर उन 5 साल के सर्विस बॉन्ड में आप छोड़ते हो तो आपको 4 करोड़ की बॉन्ड पेनल्टी पे करनी होगी, ठीक है। तो ये आपकी बॉन्ड कंडीशन है, अगर आप इन कंडीशन को फुलफिल कर लेते हो तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप इन चीज़ों से सेटिस्फाई, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, तो डेफिनेटली अगर 550 प्लस के आसपास आपकी स्कोर है नीट में तो आप यहाँ पे इजीली एडमिशन ले सकते हैं। आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 604 कट ऑफ गया था। पिछले साल का कट ऑफ ही मैं आपको बता रही हूँ, 2024 या आने वाले टाइम में इसका कट ऑफ हाई जा सकता है, बट अभी मैं आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को ही बता सकती हूँ। उसके बाद नंबर 3 पे है महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज, जो कि हरियाणा में है। इस कॉलेज में 100 सीट से MBBS के लिए और 2,50,000 फर्स्ट ईयर के लिए। जब आपकी एडमिशन होगी, एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको इतना अमाउंट पे करना होगा और उसके बाद बाकी रेस्ट ऑफ द ईयर्स के लिए कुछ अमाउंट्स आपके कम हो जाएंगे।
एग्जैक्ट इतना नहीं लेकिन इससे कम आपको पे करने होंगे। और यहाँ का जो कट ऑफ जाता है वो 598 गया था, ओपन कैटेगरी ही मैं बता रही हूँ, इससे कम भी है। आप सेम स्टेट यानी कि हरियाणा से बिलोंग कर रहे हैं तो कम मार्क्स, इससे कम में भी आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। नंबर 4 थे जुबली मिशन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि केरला में है। केरला का ये टॉप एंड बेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। ये क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है लेकिन काफ़ी पुराना है तो यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। 100 सीट्स है MBBS के लिए, 6.94 लाख पर ईयर आपकी MBBS की फीस रहेगी। 590 के अप्रॉक्स आपका कट ऑफ गया है। इसके बाद नंबर 5 पे है पुष्पगिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि अगेन केरला में है। यहाँ पे भी MBBS की 100 सीट्स है, सेम फीस यहाँ भी रहेगी 6.9 लाख एंड 588 इसका कट ऑफ गया था पिछले साल, ठीक है। इसके बाद नंबर 6 पे है छत्तीसगढ़ का जो कॉलेज है विच इज़ रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। छत्तीसगढ़ जो है ये ओपन स्टेट है एंड यहाँ पे 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें इंडिया का ओवरऑल जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी अप्लाई कर सकते हैं। इस कॉलेज में अप्लाई करने के लिए आपके पास जो नीट का स्कोर है वो 495 प्लस मार्क्स चाहिए, ठीक है। 150 सीट्स रहेगी MBBS के लिए। फीस की बात करें तो 7.45 लाख पर ईयर फीस रहेगी MBBS के लिए। यहाँ पे हॉस्टल एंड मेस इंक्लूड नहीं किया गया है। हॉस्टल एंड मेस के लिए यहाँ पे 3 लाख फीस रहेगी हर साल की। फर्स्ट ईयर में यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा पे करना होता है क्योंकि क्वेश्चन मनी रहता है, अदर चार्जेस भी रहते हैं, तो 13 लाख हो जाता है। 13 लाख आपको फर्स्ट ईयर एट टाइम ऑफ एडमिशन आपको पे करना होता है, बाकी रेस्ट ऑफ द ईयर्स के लिए आपको 7.45 लाख पर ईयर पे करना है, ठीक है। इसके बाद नंबर 7 पे है श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि रायपुर में है। अगेन ये छत्तीसगढ़ का काफ़ी रेप्यूटेड, काफ़ी रिनाउंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। सो 2021 का इस्टेब्लिशमेंट है, बहुत पुराना नहीं है लेकिन काफ़ी ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है स्टूडेंट्स का। सो यहाँ एडमिशन आप ले सकते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। 150 सीट्स MBBS के लिए और यहाँ पे भी फीस आपकी सेम रहेगी 7.5 लाख पर ईयर। फर्स्ट ईयर में आपको 12.5 लाख आपको पे करना होता है। हॉस्टल एंड मेस का इंक्लूड नहीं किया गया है, 2 लाख आपकी हॉस्टल एंड मेस की चार्जेस है। इसके बाद 507 आपका नीट का कट ऑफ गया है, ठीक है। इसके बाद नंबर 8 पे है सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज जो कि बैंगलोर में, बैंगलोर यानी कि कर्नाटका में भी काफ़ी अच्छे एंड काफ़ी रेप्यूटेड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। सो सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज की बात करें तो ये 1963 में स्टैब्लिश हुआ है। 150 सीट्स MBBS के लिए, 7.7 लाख एनुअली आपको पे करना होता है MBBS के लिए। कट ऑफ यहाँ पे थोड़ा सा हाई गया है 2023 में, 610 अगर है इससे इसके आसपास अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद 9 नंबर पे है आमला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि केरला में है। तो इसका जो हॉस्पिटल है वो बहुत पहले इस्टेब्लिश हो गया था, 1978 में हॉस्पिटल इस्टेब्लिश हो गया था और उसके एसोसिएशन में जो मेडिकल कॉलेज है वो 2003 में जाके ओपन हुआ। सो भले ही कॉलेज 2003 में इस्टेब्लिश हुई लेकिन हॉस्पिटल काफ़ी पुराना है तो यहाँ पे ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी मिलेगी। पेशेंट का जो ट्रस्ट है वो बहुत पहले से है, वो काफ़ी अच्छा है। सो पेशेंट फ्लो काफ़ी ज़्यादा है, कॉलेज भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रिप्यूटेड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। तो यहाँ पे 100 सीट्स है MBBS के लिए, 7.94 लाख एनुअली फीस रहेगी MBBS की। कट ऑफ यहाँ पे जाएगा 550 प्लस, ठीक है। उसके बाद नंबर 10 की बात करें तो KIMS ये जो बैंगलोर में है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। बैंगलोर का टॉप प्राइवेट कॉलेज है। कर्नाटका में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ आपकी 10 लाख के आसपास एनुअली फीस रहेगी MBBS की। तो यहाँ पे MBBS के लिए 150 सीट्स है, 10,92,000 एनुअली फीस रहेगी, 590 इसकी कट ऑफ जाती है। सो आई थिंक ये टॉप 10 बेस्ट एंड रिप्यूटेड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है विद लेस फीस। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं एंड ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं MBBS रिलेटेड और भी वीडियोस लेके आऊँ, फिर चाहे वो करियर पर्सपेक्टिव से हो या कॉलेज सेलेक्शन से रिलेटेड हो, तो वो आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। सो बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।